दोस्तों राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब 3 दिसंबर का इंतजार है जब मतगणना होगी और किसके पक्ष में ये वोटिंग है ये पता लगेगा। लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 74.96% वोटिंग हुई है और 74.74 से भी ज़्यादा जब ये वोटिंग हुई है तो इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आया है। क्योंकि पिछली बार 2018 के चुनाव में अगर हम बात करें तो राजस्थान में 74.06% मतदान हुआ था, यानी कि इस बार चुनाव में 0.9% मतदान ज़्यादा हुआ है। ऐसे में राज्य के वोटिंग ट्रेंड को लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज चला रहा है और इसके साथ ही पिछले 20 सालों के वोटिंग ट्रेंड को अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों का वोटिंग ट्रेंड यह कहता है कि जब भी मतदान का प्रतिशत घटा है तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला है, जबकि मतदान प्रतिशत बढ़ने का फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। इस बार चुनाव में लगभग 5.25 करोड़ वोटर्स थे और 1863 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अब 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है और पता लगेगा कि राजस्थान में रिवाज कायम रहता है या फिर गहलोत सरकार परंपरा को तोड़ पाती है। 200 सीटें हैं वैसे तो राजस्थान में, लेकिन चूँकि एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, 199 सीटों पर वोटिंग हुई है। 2013 और 2018 में भी 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी। ये भी एक तरीके का रिवाज पिछले 2 चुनाव से हमने देखा कि जब 2013 में भी 199 सीटों पर वोटिंग हुई, 2018 में भी 199 सीटों पर वोटिंग हुई और 2023 में जब मौका आया तब भी 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। चूँकि इस बार श्रीगंगानगर ज़िले की करणपुर सीट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं गुरमीत सिंह कुनर, उनका निधन हो गया था। ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदान यहाँ पर स्थगित किया और अब जो है वो 199 सीटों का जो नतीजा है वो आना बाकी है। अब ऐसे में इस बार जैसलमेर की अगर हम बात करें तो 82% से भी ज़्यादा मतदान यहाँ पर हुआ है। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में बात करें तो 82.07% यहाँ पर मतदान हुआ है। बांसवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, ये ऐसे ही जगह हैं जहाँ पर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो इस बार हाई रहा है। अब जो दिग्गजों की सीटें हैं उन पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, कांटे की टक्कर भी कई सीटों पर है। वोटिंग ट्रेंड ये कहता है कि वोटिंग ज़्यादा होती है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है, कम होती है तो कांग्रेस को फ़ायदा होता है। लेकिन इस बार जो 0.9% वोटिंग ज़्यादा हुई है इसका फायदा किसको मिलता है ये 3 दिसंबर को पता लगेगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।